मध्य प्रदेश सरकार का कैबिनेट विस्तार होने वाला है और उसके पहले ही देखिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। गौरीशंकर बिसेन जी के घर पर जो है वो उनके प्रशंसक समर्थक पहुंचे हुए हैं और बधाइयां दे रहे हैं। सर, हम भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं IBC 24 की तरफ से। सर, ये बताएं कि कब तक शपथ लेंगे और कब सरकार का हिस्सा बनेंगे, कितना वक्त? इंतजार करिए जी। अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का हिस्सा आ जाऊँ, OBC वेलफेयर कमीशन का माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे संगठन ने चेयरपर्सन बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, OBC कमीशन अपना काम कर रहा है। हमारे यहाँ पद नहीं होते, जवाबदारियाँ होती हैं। यदि पार्टी नेतृत्व तो तय करेगा कि भाई मंत्री परिषद में काम करें तो वहाँ काम करेंगे। क्या संगठन और सरकार की ओर से सूचना तो सर आपके पास आ ही गई होगी, कब का कार्यक्रम रखा गया है, कुछ जानकारी? मंत्रिपरिषद की शपथ की सूचना शपथ के कुछ पल पहले आती है, अभी तक मुझे एथलेटिक सूचना नहीं है जी। सर, लेकिन एक सवाल ये है और विपक्ष भी यही कह रहा है कि 1.5 महीना बचा आचार संहिता लगने में, ऐसे में मंत्री बनकर क्या कुछ कर पाएंगे, चुनौतियां तो? विधानसभा क्षेत्र को 1.5 दिन में जीतता हूँ, 1.5 महीना तो बहुत है। तो सर क्या प्राथमिकताएं होंगी ये भी बता दें। बालाघाट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और सिवनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की 8 में से 8 सीट कवल की झोली में डालना, और जबलपुर संभाग की 38 विधानसभा सीटें वो हमारी प्राथमिकता क्रम में एक होंगी। आज 25 में कांग्रेस और एक निर्दलीय भाई हैं, 13 में हम हैं, इसका उल्टा होगा जी। सर, एक चीज़ और है कि ये फैसला पहले होना चाहिए था, कुछ वक्त मिलता काम करने को? समय से पहले नसीब से ज़्यादा किसी को कभी नहीं मिला जी। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता ये कहना है, हालांकि 1.5 महीने का वक्त काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि 1.5 महीने में ही जो इनके टारगेट्स हैं, सरकार ने जो मंशा के साथ मंत्री बनाने जा रही है वो पूरे करेंगे। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24।